हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। काफी लंबे समय के बाद एक अच्छी वैकेंसी के नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कैसे आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे और कौन कौन से स्टेट वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्लस बात की जाएगी इसके क्राइटेरिया के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, लास्ट डेट के बारे में और इससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में। उससे पहले मैं AJ आप लोग के अपने चैनल दोस्त IQ में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग हमेशा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट मिलते रहते हैं और अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियो मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार रियल और जेन्युइन वीडियो पाने के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग अपडेट हो जाएं कि कौन सी वैकेंसी आ गई है। तो चलिए सीधा बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसके योग्यता के ऊपर कि इसकी योग्यता क्या होगी, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए, इसमें आपको तीन पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं। जो पहला पोस्ट है वह आंगनवाड़ी वर्कर का है, आंगनवाड़ी वर्कर का है, जिसके लिए आप यहाँ पे बात की जाए क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दो पोस्ट है आंगनवाड़ी मिनी और आंगनवाड़ी हेल्पर, इसके लिए अगर आप 8वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो योग्यता आपको पता चल गया, 10वीं पास और 8वीं पास वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए इसकी उम्र सीमा क्या होने वाली है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह उम्र सीमा की है, तो यहाँ पे 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 21 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो जरूर फॉर्म अप्लाई करिए। और प्लस बात की जाए SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 वर्ष अधिक मिलते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यानी कि 45 वर्ष तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए वही फॉर्म के अंतिम समय के बारे में, तो दोस्तों फॉर्म का अंतिम समय हर एक फॉर्म के लिए मतलब कि लास्ट होता है। तो इस फॉर्म की बात की जाए तो चलिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे वीडियो फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैं बताऊंगा उस समय आपको बता दूंगा कि इसका अंतिम डेट क्या है, तो अभी मैं इसमें नहीं बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म का कितना शुल्क लगने वाला है। दोस्तों काफ़ी अच्छी, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन होता है कि फॉर्म का शुल्क कैसे लगने वाला है। तो शुल्क की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ भी यह जो फॉर्म है सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए है, और शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है, यानी कि 0 रुपये में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं लगने वाला है, आपको एग्जाम शुल्क नहीं देना है यहाँ पे, तो आप 0 रुपये में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही बात की जाए इसकी सैलरी कितनी पे की जाएगी, तो दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से रखते हैं, सैलरी हम लोग बात करेंगे। तो जो यहाँ पे आपको तीन पोस्ट देखने को मिलने वाला है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी पी की जाएगी। तो जो आंगनवाड़ी यहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर का पोस्ट है उसके लिए बात की जाए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दोस्तों मानदेय वैकेंसी है तो 4000 स्टार्टिंग पे किया जाएगा, मानदेय वैकेंसी है तो 4000 स्टार्टिंग पे किया जाएगा। और दोस्तों इसको बढ़ा भी जा सकता है, जैसे नोटिफिकेशन में पूरी तरह से मेंशन नहीं किया है कि इतना ही दिया जाएगा, वह बढ़ेगा। सैलरी दिया एक्सप्रोक्स में दिया है तो सैलरी आपकी बढ़ सकती है। वही बात की जाए जो और दो पोस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, आंगनवाड़ी मिनी और वही आंगनवाड़ी हेल्पर। दोस्तों हेल्पर के लिए बात की जाए तो इनकी जो सैलरी मेंशन की है दोस्तों काफ़ी कम मेंशन की है, 2000 रुपये पर मंथ पे की मेंशन की है। पर आप टेंशन ना लें, ये इसकी सैलरी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगी, जैसे मतलब सिलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिए। अब बात की जाए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा यानी चयन प्रक्रिया होगी कैसे होगी, तो जो चयन प्रक्रिया होने वाली है काफ़ी शानदार। दोस्तों बात की जाए मेरिट बेस सेकेंड वैकेंसी है, अगर आप 8वीं में अच्छे मार्क हैं तो जरूर अप्लाई करिए, 10वीं में अगर आपके अच्छे मार्क हैं, मेरिट बेस वैकेंसी है, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन आपका होगा। तो अगर आपके अच्छे मार्क हैं 10वीं 8वीं या 5वीं में तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई करिए। दोस्तों बात की जाए जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसके लिए 10वीं पास है और बाकी सभी के लिए 8वीं या 5वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले प्रोसेस के ऊपर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे और किस जिले की वैकेंसी वैसे चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे गूगल में चलते हैं और टाइप करते हैं, देख लीजिए आप भी टाइप कर सकते हैं, जाके ध्यान से सुन लीजिए, बाल विकास के। दोस्तों मैं थोड़ा सा इंग्लिश में कर दूँ, हिंदी में कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास UP.gov.in आप लोग ऊपर देख सकते हैं, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। चाहे तो आप लोग खुद से घर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से फॉर्म अप्लाई
कर सकें। दोस्तों कुछ मतलब ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। अब हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिख रहा होगा, ये थ्री डॉट जो दिख रहा है इसी पे हमको क्लिक करना है। चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन दिख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो हम लोग को क्या करना है कि सीधे रिक्रूटमेंट पर चले आना है दोस्तों, इसी पेज पर आना है। तो चलिए मैं इस पेज पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा नीचे तीन चार और ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर टू आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी यहाँ पे हेल्पर के लिए। और बात की जाए प्रिंट एप्लीकेशन दिया है तो उस पर नहीं, हमको पहले ऑप्शन पे चले जाना है। पहले ऑप्शन पे जब मैंने क्लिक किया है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अगला एक नया विंडोज खुलेगा जिस पे फॉर्म डिटेल के बारे में कुछ हमें यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदिका को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्वज अनुदेशों का ध्यानपूर्वक पढ़ ले। मतलब यहाँ पे जो है बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिए गए हैं कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या करना है, टोटल जानकारी दी गई है। तो आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा मैं आपको टोटल जानकारी आगे बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं नीचे आऊँगा एस पे क्लिक करूँगा, एस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक नया विंडोज पॉपअप खुलेगा। अब हम लोग क्या करना है ध्यान सुनिए, यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि हमारे ज़िले की वैकेंसी है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जिला व परियोजना द्वारा सर्च करें आंगनवाड़ी रिक्तियों एवं खोजें। तो चलिए हम लोग इस पे क्या करते हैं, पहले नंबर पे क्लिक करते हैं। पहले नंबर पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो हम लोग बात करने वाले बांदा के बारे में। दोस्तों बांदा में जैसे यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी इस समय चल रही हैं, तो यहाँ पे बांदा के बारे में, बांदा में बात की जाए ब्लॉक, तो ब्लॉक में कोई सा ब्लॉक आप लोग चूज कर लेंगे। चलिए मैं महोबा चूज कर लेता हूँ, महोबा चूज कर लिया। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज करना है ग्रामीण और शहरी और उसके बाद वार्ड का नाम। तो अगर आप सॉरी चूज करते हैं तो आपको आपके पास ग्राम सभा या वार्ड का नाम नहीं आएगा, वही आप अगर ग्रामीण चूज करते हैं तो आएगा। चलिए मैं ग्रामीण चूज करके दिखा देता हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ग्राम सभा आ गए हैं, तो जिस ग्राम सभा से आप हो आप चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे पद पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पद का नाम मिलेगा। तो यहाँ पे तीनों पोस्ट दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे तीनों पोस्ट अवेलेबल है, तो किसी एक पोस्ट पे जिस पोस्ट पे अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सर्च पर क्लिक करेंगे, चलिए सर्च पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एक्सेल फाइल में डाटा आ गया है कि आपके पास उस मतलब पोस्ट में जिस पोस्ट से अगर बिलोंग करते तो वहाँ पे उस पोस्ट की वैकेंसी है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम डेट दिया गया, स्टार्टिंग डेट दिया गया, टोटल जानकारी यहाँ पे अच्छे से फिल करना है आपको। अब क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया विंडोज खुलेगा जहाँ पे आपको अपनी डिटेल यहाँ पे धीरे धीरे देते हुए आगे बढ़नी है ताकि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो चलिए यहाँ पे कुछ विंडोज़ खुल गया, हम लोग बात करें यहाँ पे पंजीकरण में। तो सब बात की जाए पंजीकरण में, तो यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे मांगा है, तो मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे और उसके बाद एक कैप्चर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी। दोस्तों बात की जाए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगी, बात की जाए उसमें आपको जो ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जन्मतिथि और बात की जाए कैप्चर, फिर उसके बाद लॉगिन कर देना है। दोस्तों जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसेस होता है। लॉगिन करने के बाद अब आपको क्या करना होता है कि अपने माता का नाम, पिता का नाम, प्लस कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो इतना पहले पेज पे, दूसरे पेज पे आपको फोटो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तीसरे पेज पे आपको फाइनल सबमिट करना है। दोस्तों तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ी जानकारी आपको कुछ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी है, आप लोग मुझे उस पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो। चलिए दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करिए।